हम भक्ति भरने के लिए दे देंगे। 12 साल बीत गया तो मेरा बाप तो अपने लड़का का भेजा नहीं। सजनों वही समस्या है, माँ मैंने भक्ति का मैंने सपना दिया, मैना बंदी के ममता दिल से गई नहीं, बेटा के पकड़ के रखा है अपने घर में। हमने सपना दिया गोपीचंद का, रे मेरा गोपीचंद 12 साल बीत चुका, आ तो पलंग पर यास कर रहा है, जाओ तुम्हारा राज घर में आग लग गया, चल जब उसका राज जल गया, कोई नहीं है, नहीं तो माँ से तेर धनुष मांग कर जल्दी जाओ तू जंगल। और मैंने अचानक सपना दिया, ये सपना पाकर माँ से तेर धनुष मांग कर यार जंगल आया। मैंने 700 मिल गए कि माया के जाल भेजा, और 700 मिल गए कि जाकर इसको घेर लिया, और एक मिर्गा का वध किया, इसका हत्या लगा, माया के मिल गए नहीं हमने भेजा, ऐसे नहीं ये जंगल जाएगा। अब देखिए माया के जाल, 700 मिल गए नहीं के मार दिया मिर्गा का, ये 700 मिल गए नहीं मुसलमान तो हो गई, इसका शराब मिल गए नहीं दे चुका है, जाओ तुम्हारा राजपाट से कोई जरूरी नहीं है। अब 12 साल तो भटकोगे, कहाँ गया गोपीचंद? जी जी बाबा, ये तुम्हारा राजपाट से कोई जरूरी नहीं है, तूने मिर्गा का हत्या किया, 700 बहन मिर्गा रानी से मात बन गई, त्रिया में भटक गया, और तुम अपने ये पाप का प्रायश्चित करने के लिए जाते हो। हाँ बाबा, 12 मन चूरा 12 मन देखो, ये सभी आदमी को शोभा नहीं देता है, ये राजा का पोशाक है, हमरा राजा न बाबा बड़ी बड़ी महाराज लोग तो त्याग के लाश दारू के भोग तय कर पैसा से ये करेगा बदमाशी, तो भागेगा कहीं यहां से नहीं, मारेंगे झापर शैतान भागता है कि नहीं, जय श्री राजा का पोशाक लेने के लिए हल्ला ना करेंगे, गया है गोपीचंद पोशाक बदलने के लिए, कार्य का झूठ होगा। अब जो भी क्या कहला रहा चला, और अभी तक मेरा बेटा जंगल शिकार करने के लिए गया था, अभी तक मुझे कोई कोई खोज खबर नहीं है। हाँ हाँ बाबू जी, अब मैं बिजुबल जंगल से चला आया हूं, मालिक तो नहीं आ सके,
मैं अपने महारानी को क्या जवाब दूंगा जबकि बूढ़ी मालकानी है। अगर मैं कह देता हूँ कि मालकानी ऐसी बात है तुरंत मर जाएगी बेचारी। क्या करूँ क्या ना करूँ। अरहियानी हरि न जय परे आया जुदीना बेटा बाकी नहीं करके कहा था वो ये कि मंत्री साहब मेरा बेटा को साथ नहीं छोड़ना और दोनों में तुम जंगल जाकर शिकार करके फौरन ही चले जाना। तुम अकेले हो मेरा बेटा है कहां। ओ ये चीज बात भूल क्या जब तक झूठ नहीं बोलबे तब काम नहीं चलेगा। हाँ झूठ बोल जहाँ तक चले बिना हो कल कई सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट पे वसूलों से कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से लेकिन सच्चाई तो नहीं छुप कुछ देर के लिए छुप जाए कि सच्चाई छुप सकती आपस में मेल हो। सच्चाई छुप सकती है जब आपस में मेल हो। खुशबू आ सकती है कि जब कागज में तेल हो।
केना हुआ करके बुढ़िया ठक ले छी हम अपन जान जीवन छोड़ा ले बाबू के ग्रो बेटा इने उने भा देते त बाबा की हाल होत ना अच्छा ठक ले छी मंत्री साहब क्या हुआ हमरा खैन खिया ऊपर ले हां बोलू हमें देखन आवत रहिए अच्छा त हमें कलिए सौसो दे पानी पानी भ गेल की भेल हां मंत्री साहब तुम तो जानते हो कि मेरा एक ही दिल है मैं जब तक उसके जब तक उसको मैं अपने आंखों से नहीं देख लेती हूं मेरी दिल में तसल्ली नहीं होती है तू तोरे झूठे यहां बेकार मतलब काते हमें वो कहना है भूल गेलो तनी उन्हीं चल गेलिए बतिए जाए भूल गेलिए वो मालिक करकिन की जब अपना सीमा पर लिए अच्छा अच्छा उन्हें से भूल हां हां मालिक करकिन की मंत्री तुम ऐसा करो हम 12 बरस से अभी तक अपना राजपाट कर नहीं देखे हैं कभी हां हां आ कहियो हम हुनकरा घुमइयो तो नहीं ले गेलिए अच्छा अच्छा तो कलकिन की जे तो चले हमें तनी राजपाट के घूमने देखने फिर आबे छियो कारण की जे बाबू नहीं है छथिन तनी देख सुन लेबे कि हमर रयत प्रजा केहन यो ओहे घूमेल गेल होते तब नया नया मालिक मिलल होते हमरा संसार रैया बैठा लेने ते बैठो मालिक बाबू मालिक के हे चाय ना दे फल्ला कर ओहे से ले वाय ले तुम चिंता नहीं कर अखंड तकन कखनो चल तभी मत शाह फिर इधर उधर जहां भी हो लेकिन जब तक वो मेरे नजर के सामने नहीं आता है तब तक मेरे दिल में तसल्ली नहीं होती है क्योंकि मैंने सब कुछ मेरा वही है बेटा ही है मेरा है पति तो स्वर्गवासी हो चुका मैं कह रहा हूं चिंता नहीं करियो हमरा खुद कलखिन की तो जो मंत्री आ माय के कह दी है कि जे कोनो चिंता नहीं करे ले हमें तनी राजपाट घूमने आवे छी राजो पाट तनी छई ने उ तनी टाइम लग गेल अब ते हो गया ठीक है आज दीना बलियन दई परे आओ दिल बा में धर जबाऊ बानियन कैसे के रहो बाना भई दिल में जानू रे काका आओ काका काका हो हमरा जो पिछुए चलबो का भेष धारण चुका हूं और गुरुदेव के कहे अनुसार सबसे पहले मैं मां की द्वार झूलापुर से चलता हूं और मां से भिक्षा लेकर उसके बाद मैं फिर बहन के पास जाऊंगा आप या के आतुरिया को पीछा दिन
सुबह का टाइम हो चुका है। मैं अब स्नान करने के लिए मैं चलूंगी और सबसे पहले मैं सरखी नौरी को मैंने बुला दी। अरे वो सरखी नौरी कहाँ हो, चल से आओ। तू जब यही बहे नौरी है रानी ना जग के बहे पानी भर दो, मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तुम यहाँ पे पारा जगाते ही रहना, सिपाही भी है। जैसी आज्ञा मालिक। हाँ हाँ, तुम जाकर किचन में पानी भर दो, मैं चले स्नान करने के लिए। ठीक है, जैसी आज्ञा। ठीक है। आ तो हरो कहानिया हमको मत बोलिए आता है पैटिंग रूम में रिकॉर्डिंग। हां हां आज बोलता चलिए बाबू साहब ओ होया के तू हरियाल जोड़ी हो
यही राज दरबार जुनपुर शहर का है और इस समय अपनी माँ के दरबार में पहुंच चुका हूँ। अब आवाज लगाकर देखता हूँ किस दरबार में कोई है या नहीं। अलख निरंजन गुरु गोरखनाथ की जय हो, जय हो। इस दरबार में कोई है? के बाद अलख निरंजन गुरु गोरखनाथ की जय हो। बच्चा दबा दाल के अच्छा रहे लजेबेर करे छे हमरा कहे छे बच्चा बरगा हमरा प्यारे वो पोता पोती छी दबा हम हर देखो हम जोगी हैं जोगी और जोगी जोगी बाबा होते हैं तो और किसी को भी बच्चा चाह सकते हैं लजेबेर करे छे जोगी बाबा हो सकते हैं हमें यार बाबा नहीं हो दबा दाल के जोगी सबका बाबा चुप चुप कहां है इनकी बात देखो किस लिए उठने से की स्लो करके भाषा निकालो मुंह से जो भाषा निकालते हो वचन निकालते हो ना उसको स्लो करो नहीं तो शराब दे दे आय महाराज ऊपर ध्यान देबो सबकी पढ़ते हम मुंह बोइबो तब ध्यान देबो। अरे वो शराब नहीं ऐसा शराब दूंगा कि तुम जलकर भस्म हो जाओगे। अच्छा स्पिरिट लगाबो सुनो इस दरबार में मैं भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। अच्छा इस दरबार में भिक्षा मिल सकता है? क्या मिलते क्या मिलते ठीक है एक बड़ा राजपाट छे जूनागढ़ शहर आए वो भिक्ष मंगा के भिक्ष लेने ठीक है जाकर सूचना दे दो और मैं तब तक द्वार पे खड़ा रहा। अच्छा ठीक है आजकल का बेसी चोर बर्बादी है तने उन्हीं साइड में रही है ठीक है जाकर सूचना दो हमें के लिए तो मार दो आहो आ मैया तू मैया अरे कौन चीज सेना कहने बाबाजी ले भीख मांगल भीख भीख ले की कहे छी तोहर त मन तखे पर रह छ केमा चले तने देखे बाबाजी के हम नै छ मेना नै करे
लागे छे ओहनो कहे हाथ गरम होय छे लागे छे आधो पाइन छोई देबे। अरे चल से गेट के पास कुछ नहीं जाए ले आ ले जा रहे हो। अरे अरे पहले देख भाई ताब के हम अच्छा ये गोरे करके छे ये तो अच्छा बोल भाई काठ वाला भने छे घो 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 घो। अरे इनका इशारा नहीं छे अपना पापा चल देखिए कहां नहीं देख भाई ताब के हैं अच्छा चल तो घर हो ही जगत बच्चा अब बाबा देखो हमरा पांडे तेरे वो जो छै ने सपोता पोती उआर हमरा बाबा कहे छै हाइट में हमर पोता तोरो से नंबर छै मैं भी तुमको बाबे कहूं ऐ महाराज तने तोरा से नंबर का नंबर का बाबा कहे छै तो बाबा का वो तने तने खिया दे। अरे तू भी सदाज का सिपाही हो अच्छा ठीक है पांच पांच भिक्षा मिलेगा अगर नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हारे क्या देखो इस दरबार से पांच मुट्ठी भिक्षा मिल सकता है। अरे अरे बाबा पानी में ना भगिया गई मैं बाबा तो देख सुंदर लागे छे ये आई ने साबुन और स्नेहा तब चल लखन अच्छा गे मैं देख लिए ते हमर मन के अरे तोरे ने खिलाल खिलाल दिए छे गुरु की अगर बच्चा तुम्हारे दरबार से भिक्षा नहीं मिलेगा तो मैं चाहता हूँ नहीं मेरे संसार में मुझे कोई नहीं है। हाथी कूदे गधा कूदे ते पाछू गधा कूदे श्राप दे 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 बाल ना बच्चा की जनता कुत्ता तो तोरा को छो ने हमें तो परानी छिए धिया पुता भेले हैं आरो होते भगवान करथिन हुनकरो होए आ हुनकर आर नहीं होते तो बांधे अरे इस बात से हम क्या मतलब है इस दरबार में भिक्षा मिलेगा अरे या नहीं मिलेगा वो कहो अगर दे भिक्षा दे नहीं चल क्या क्या इतने कम उम्र में जो जो आप कितने अरे बाबा का तो जोन हमरा तो ना बतिया दे देखो क्या सबसे पहले ये बताओ कि इस दरबार का तुम कौन हो इस दरबार का मैं मालकिनी हूं मालकिनी हूं हां मंत्री धरा नहीं नहीं बाबा साहेब इन हमरे जोर में सुते छे ओकरा की करबे एक और तनी नट ढीला भेल छे इस दरबार का ये कौन है ई आई दरबार में हम दोनों रह छे साहेब तो क्या ये मुझे भिक्षा देगी हां हां मैं आवाज दूंगी आगे ध्यान नहीं ध्यान नहीं चल जाते हां है ठीक है सुनो तुम सही सही बताओ हमें इस दरबार का तुम कौन हो क्या आप भिक्षा ले लीजिए चाहे मैं कोई भी रहूं आपको तो भिक्षा ऐसे गोपी चंद भिक्षा नहीं लेता है जब तक बताओगे नहीं तब तक मैं भिक्षा नहीं लूंगा। अच्छा जो मेरी रूह को चली दे
अच्छा मैं तो आपको सारी चीजें दूंगी, लेकिन आप मुझे प्यार से एक बार यू बोल दीजिए। हर किसी के जैसे